तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रिगार्डिंग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछले वीडियो में हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, बेटर होगा। और अब जानते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सी के बारे में। हम लोग क्या गिव किए थे, सी बराबर क्यू अपॉन वी, सी बराबर दिया गया चार्ज बाई बढ़ा हुआ विभव, दिया गया चार्ज में बढ़ा हुआ पोटेंशियल, C बराबर Q बाई V। आप बताइए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है C बराबर Q बाई V। देखिए इसके नीचे हम वन लिख सकते हैं, Q इंटू वन, Q इक्वल टू C इंटू V। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करके, पहले आप बताइए इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एक नया क्वांटिटी मिला, एक नई राशि है, तो बताइए क्या यह एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। तो आप देख सकते हैं C बराबर Q बाई V, Q क्या है, दिया गया चार्ज, और चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और V क्या है, बढ़ा हुआ पोटेंशियल, और विभव भी क्या है, एक अदिश राशि। और जब एक अदिश राशि को दूसरे अदिश राशि से भाग करते हैं तो रिजल्ट भी हमें अदिश मिलता है, यानी कि यह भी एक अदिश राशि है। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारिता एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। एंड सेकंड हम चलते हैं इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या हो, आप देख सकते हैं सी बराबर क्यू बाई वी, हम लोग कैसे यूनिट याद करते हैं, फॉर्मूला से। देखिए क्यू क्या है, चार्ज, और हम लोग सभी जानते हैं चार्ज का एसआई मात्र क्या होता है, चार्ज का एसआई मात्र कूलॉम होता है। ये क्या है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का एसआई मात्र वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट, ठीक है। और इस कूलॉम प्रति वोल्ट को हम जानते हैं फैराड के नाम से, ठीक है, फैराड, नॉट फैराडे। अगर आप फैराडे कहते हैं तो वो मिलता है चार्ज का यूनिट, और चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, और यहाँ पे केवल फैराड है, दोनों में फर्क है, ठीक है, फैराड और फैराडे, फैराड मिलता है, और फैराड को हम लोग इसका संकेत देते हैं एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। तो इसका एसआई मात्र क्या मिला, कूलम प्रति वोल्ट, जिसे किस नाम से जानते हैं, फैराड के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो फैराड है ना, एक बहुत बड़ा यूनिट, और ये बहुत बड़ा यूनिट होने के कारण इसको हम लोग सब मल्टीपल यूनिट याद कर लेते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, ये है म्यू, एक माइक्रो फैराड बराबर लिख सकते हैं 10 to the power, क्या होता है, तो एक माइक्रो फैराड इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power-6 फैराड, ठीक है। आप लोग जानते हैं मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो जेटो एक्टो, जानते होंगे, तो ये माइक्रो फैराड है, उस तरह से नैनो फैराड भी होता है, 1 nF इक्वल टू होता है 10 to the power-9 फैराड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि एक माइक्रो फैराड एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो अमाउंट अगर बड़ा है तो उससे कम हम लोग यूज करेंगे, ये होता है माइक्रो फैराड, नैनो फैराड आप यूज कर सकते हैं, मिली फैराड भी। तो उसके बाद हम बात कर लिए इसके बारे में, अब उसके बाद बात आती है इसका सीजीएस यूनिट, इसका सजेशन होता है स्टैक फैराड। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना आप लोगों को बताया कि चार्ज का एसआई मात्र कूलॉम, उसका सजेशन मात्र स्टैक कूलॉम, जिसको हम लोग ईएससी ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं, यहां पे भी फैराड है एसआई मात्र, और इसका सजेशन यूनिट होगा स्टैक फैराड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम थर्ड आते हैं बात करते हैं इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी डिपेंड किस पे करता है, आप ध्यान से देखिए कैपेसिटी इक्वल क्यू बाई वी है, यानी दिया गया चार्ज बटा बढ़ा हुआ पोटेंशियल, क्या कैपेसिटी दिए गए चार्ज बटे पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, नहीं। कैसे, अगर आप इसको 2 गुना चार्ज देते हैं पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, 2 गुना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु पर दिए गए चार्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि जो पोटेंशियल है दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बी मो दिए गए चार्ज के समानुपाती होता है, चार्ज अगर 2 क्यू देंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, दोनों कटेगा तो बाद में तो सेम ही आएगा, यानी कहने का मतलब है कि
इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कभी भी दिए गए चार्ज और बड़े पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रही है? आप थर्ड नंबर में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यानी विद्युत धारिता दिए गए चार्ज और बड़े पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करता। अब बात आती है निर्भर किस पे करता है, ठीक है? तो हम मानते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी सी है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो डिपेंड करता है इसके एरिया पर, इसका एरिया कितना है। अगर एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटी ज्यादा होगी। डिपेंड करता है इसके एनवायरमेंट पे, यानी कि ये रखा हुआ कहां है, किस मीडियम में रखा हुआ है, यानी सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम। और आप लोग जानते होंगे परावैद्युतता आप लोग पढ़ाए थे, तो परावैद्युतता अलग अलग माध्यम की परावैद्युतता अलग अलग होती है, तो इस ये जिस माध्यम में रखा हुआ होगा उस माध्यम की परावैद्युतता जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटी भी चेंज करेगा, वेरी करेगा। और उसके बाद डिपेंड ये करता है कि इसके पास कौन सी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इसके पास जो बॉडी है वो कैसा रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं कि विद्युत धारिता वस्तु के सराउंडिंग मीडियम पर निर्भर करता है और इसके एरिया पर डिपेंड करता है और इसके पास रखे गए वस्तु पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में हम लोग ये जाने इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से संबंधित टर्म्स, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे किसी भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी होता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये वीडियो यहीं तक, और आप लगातार इस वीडियो को अगर वॉच करेंगे तो आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। और जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन हम जरूर आपकी तरफ प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।